नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। भारत और मालदीव के बीच संबंध इस वक्त कड़वाहट से गुजर रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, दलीलें बहस भी जारी है। इसी बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू अपनी पत्नी साजिदा अहमद के साथ रविवार से रात से चीन रवाना हो रहे थे, तब देश में भारत से संबंधों पर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार चीन के औपचारिक दौरे पर है। चीनी राष्ट्रपति की नियुक्ति पर मोहम्मद मुइज़्ज़ू अपनी सरकार के शीर्ष प्रतिनिधि मंडल के साथ में चीन पहुंचे हैं। चीन में दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर आधिकारिक बातचीत होगी। मोहम्मद मुइज़्ज़ू राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले 27 नवंबर को तुर्की के दौरे पर गए थे। मोहम्मद मुइज़्ज़ू जब सबसे पहले तुर्की गए तो सवाल उठा कि आखिरकार अब क्या इस्लामिक देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए मोहम्मद मुइज़्ज़ू ऐसा कर रहे हैं या वो रिवाज तोड़ रहे हैं। इसके बाद जब चीन की आधिकारिक यात्रा हुई तब इस बात पे मुहर लग गई कि इंडिया आउट का नारा देकर मोहम्मद मुइज़्ज़ू अपनी सत्ता पर बैठे थे, अब अपने नारे को ही वो साकार करने में लगे हुए हैं। इसी बीच भारत और मालदीव के संबंधों पर कड़वाहट उस वक्त पैदा हुई जब लक्षद्वीप के दौरे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और वहां की दिलचस्प तस्वीरें समुद्र की सैर करते हुए वो डालते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया, लेकिन मालदीव के कुछ मंत्रियों के नागवार गुजरा और उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग भारत और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के लिए किया। पूरे विवाद को विदेशी मीडिया से हम लोग देखेंगे किस तरह से विदेश में दिखाया जा रहा है। खासतौर पर मालदीव की मीडिया ने इस पूरे प्रकरण को किस तरह दिखा है, किस तरह शो किया है, आइए हम आज उसका विश्लेषण यहां पर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीबीसी न्यूज की। बीबीसी न्यूज कोलंबो की तरफ से भारत मालदीव के संबंधों पर प्रमुखता से लिखा गया है। बीबीसी लिखता है कि मालदीव के मंत्रियों की अभद्र टिप्पणी के बाद भारत ने मालदीव के दूत को तलब किया है। बीबीसी की हेडलाइन ये कहती है। दूसरा आते हैं रॉयटर्स पर। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने भारत मालदीव संबंधों पर कई विश्लेषण अलग अलग लिखे हैं। रॉयटर्स ने लिखा है, इसकी जो हेडलाइन है वो मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया मालदीव रो एस्केलेट, एजेंसी सस्पेंड फ्लाइट बुकिंग टू आइसलैंड। जब से ये विवाद बढ़ा है हजारों भारतीयों ने अपनी बुकिंग कैंसिल करा दी है। ट्रेवलिंग साइट्स ने बुकिंग करना भी बंद कर दिया है। मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री काफी बड़ी है, भारत की भागीदारी उसमें सबसे ज्यादा है। 2018 में 90,474 भारतीय पर्यटक, जबकि 2019 में 1,80,000, 2020 में 63,000, 2021 में 2,91,000, 2022 में 2,41,000 और 2023 13 दिसंबर तक के आंकड़े मेरे पास है, उसके मुताबिक 1,93,693 भारतीय मालदीव पहुंच चुके हैं। तीसरा बात करते हैं अल जजीरा की। अल जजीरा ने भी अपने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। अल जजीरा लिखता है कि भारत और पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले तीनों मंत्रियों को मालदीव सरकार ने सस्पेंड किया। हेडलाइन के बाद नीचे खबर में दोनों देशों के विवाद को लेकर विश्लेषण लिखा है। इसमें बताया गया है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू 5 दिन की चीनी यात्रा पर पहुंचे हैं। वहां वो कई तरह के अपने प्रोग्राम है उनके, लेकिन इसी बीच भारत और मालदीव के संबंधों में कड़वाहट है और इसी वजह से मालदीव की जो इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री, उसको भी तगड़ा नुकसान पहुंच सकता है। चौथी हम बात करते हैं रिनाउंड द गार्जियन की। गार्जियन अपनी वेबसाइट की हेडलाइन में मोदी ट्रिप टू इंडियन आइसलैंड प्रॉम्प्ट मालदीव रो, यानी कि मोदी की मालदीव द्वीपों की यात्रा से मालदीव में विवाद खड़ा हो गया, इस शीर्षक से आर्टिकल लिखा गया। इसमें पीएम मोदी की लक्षद्वीप के समुद्र तट पर घूमते हुए एक तस्वीर दिखाई गई। इसके बाद पूरे वाक्य को सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है। सीएनएन क्या लिखता है? सीएनएन ने लिखा है कि क्यों पीएम मोदी के समुद्र तट पर कुछ तस्वीरें लेने से भारत में मालदीव पर्यटन का बहिष्कार हो रहा है। इसके बाद आर्टिकल में अंदर बताया गया कि मालदीव को पर्यटन आय का सबसे बड़ा अपने प्रमुख स्रोत है और टूरिज्म सेक्टर के बहिष्कार होने का यहां पर सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारतीयों ने बायकॉट मालदीव किया है, जिसके बाद से वहां की इंडस्ट्री को तगड़ा झटका पहुंचा है। सीएनएन आगे लिखता है कि तीन अधिकारियों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया था, जिसके बाद मालदीव नागरिकों और मशहूर हस्तियों ने
घरेलू समुद्र तटों को घूमने का जोर शोर से प्रचार किया। इसी तरह कुछ कुछ न्यूयॉर्क टाइम्स में, एसोसिएट प्रेस यानी कि एपी में भी ऐसे ही कुछ हेडलाइन से आर्टिकल छापे गए हैं। अब हम खास तौर से बात करते हैं मालदीव की मीडिया की। तो मालदीव मीडिया के द प्रेस की एक रिपोर्ट है, उसमें पीएम मोदी का अपमान करने वाले नेताओं को सस्पेंड किए जाने की खबर को प्रमुखता से छापा गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की सरकार लक्षद्वीप में सफेद रेत के बीच की ओर पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। ऐसा कहा जाता है कि मालदीव की सफेद रेत वाले बीच काफी सुंदर होते हैं। इन तटों की तस्वीरें वीडियो से भी सोशल मीडिया पर मशहूर हस्तियों समेत तमाम लोग शेयर करते हैं। भारत की इस कोशिश पर मालदीव सरकार समर्थक सोशल मीडिया एक्टिविस्टों ने टिप्पणी की, जिसके बाद से मालदीव सरकार जिसके किनारा किया है। इस रिपोर्ट में मालदीव सरकार के बयान को भी जगह दी गई है। इस बयान के मुताबिक विदेशी नेताओं और शीर्ष व्यक्तित्वों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक टिप्पणी के बारे में मालदीव सरकार को जानकारी है। ये विचार उनके निजी है और मालदीव सरकार के नजरिए का प्रतिनिधित्व नहीं करते। सरकार का मानना है कि बोलने की आजादी का बर्ताव लोकतांत्रिक और जिम्मेदारी तरीके से होना चाहिए, ताकि इसमें नफरत नकारात्मकता ना बढ़े और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के संबंध मालदीव के साथ रिश्ते जो हैं वो प्रभावित ना हो। सरकार के संबंधी विभाग ऐसे लोगों पर एक्शन लेने से हिचकेंगे नहीं जो इस तरह के अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। फिर हम आते हैं मालदीव के दूसरे मीडिया के पास। मालदीव के मीडिया संस्थान द सन ने भी देश के पूर्व नेताओं के बयानों को जगह देते हुए इस मामले पर रिपोर्ट की है। सन ने पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह के रविवार को दिए बयान को जगह दी। सोलिह ने कहा था कि भारत के खिलाफ मालदीव के सरकारी अधिकारी द्वारा सोशल मीडिया पर नफरती भाषा इस्तेमाल किए जाने की मैं घोर निंदा करता हूं। भारत मालदीव का हमेशा से अच्छा दोस्त रहा है और हमारे दोनों देशों के बीच में सालों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक असर डालने वाले इस तरह के संवेदनहीन बयान देने की हमें इजाजत नहीं देनी चाहिए। सोलिह की पार्टी एमडीपी ने भी बयान जारी कर मौजूदा सरकार के इन बयानों की निंदा की है। सोलिह के राष्ट्रपति रहते हुए भारत और मालदीव के संबंध करीबी थे। मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने लिखा है कि मौजूदा मालदीव सरकार के उप मंत्रियों और सत्तारूढ़ गठबंधन के राजनीतिक दल के एक नेता की पीएम मोदी और भारतीय लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई अपमानजनक टिप्पणी निंदनीय है और नफरत से भरी है। सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए लोगों को मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि सोशल मीडिया एक्टिविज्म और नहीं होगा और लोगों के देश में हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी वो निभाएंगे। भारत और मालदीव के संबंधों पर जो मालदीव की मीडिया है वो पूरी तरह से भारत की पक्ष की बात लिख रहा है, यानी कि वहां की विपक्षी नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, लगातार वहां की टूरिज्म से इंडस्ट्री से लोग बयान दे रहे हैं, वहां की विपक्षी पार्टियों के नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, और खुद मोइज़ो की सरकार ने, इन तीनों मंत्रियों ने जिन्होंने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी उस पर उन्होंने कठोर एक्शन लेते हुए तीनों को सस्पेंड कर दिया। इधर भारत भी अपना कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है और सीधे मालदीव के दूत को तलब किया था, उनसे अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं, भारत पर अब ये मालदीव का बहिष्कार भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई लोगों ने अब तक अपने टिकट, मालदीव की बुकिंग, वहां के होटल्स रद्द कर दिए हैं। आपको बता दें कि इंडस्ट्री जो है वहां की टूरिज्म, उसका वहां की जीडीपी में 28% का हिस्सा है। अगर भारतीयों ने उसका पूर्णतः बहिष्कार यहां से होता है तो फिर मालदीव की इंडस्ट्री को तगड़ा चोट पहुंचेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी जरूरी समझना होगा कि भारत भी मालदीव के लिए बेहद जरूरी है। वो कई लिहाज से मालदीव को साधना होगा और ये भारत की पूरी कूटनीतिक है कि अभी तक विदेशी मंत्रालय या किसी तरह की आधिकारिक टिप्पणी सरकार की तरफ से नहीं की गई है। इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। हो सकता है कि अंदर अंदर दोनों देशों के कूटनीतिक तरीके से बातचीत जारी हो और मोइज़ू जब चीन से यात्रा करके लौटेंगे तो खबर यह भी आई है कि वो जल्द ही भारत का दौरा भी करेंगे। यानी कि मालदीव कभी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ उसके संबंध खराब हो और भारत भी कभी नहीं चाहेगा कि मालदीव से जो इसके हित है उसमें कभी कोई टकराव की स्थिति बने।